मैं अपील करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट टू काइंडली लुक इन टू इट एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ वायलेंस. पहले से इकॉनमी खराब है, पहले से कोविड से सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम में है, और इस तरीके से वायलेंस होने से त्रिपुरा में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, कोई बिजनेस भी नहीं आएगा. और इस वायलेंस से हमको क्या मिल रहा है? अगर इलेक्शन होना है 2023 में तो 2023 में बात कीजिए, लेकिन वायलेंस अभी से शुरू हो जाएगा तो नुकसान पॉलिटिशियंस को कभी नहीं होता, कोई नेता को नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आम जनता का. तो ये ड्यूटी बनता है होम इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट देयर इज पीस एंड देयर इज लॉ एंड ऑर्डर. आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन इन त्रिपुरा एंड द इमेज ऑफ त्रिपुरा हैज टू बी मेंटेन. एंड ये बात आप त्रिपुरा मोर्चा से चेयरमैन मैं हूं, ये आप बात छोड़ दीजिए कि अलायंस किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा. हमारा एक डायरेक्ट लाइन है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए, और जो हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को अग्री करता है राइटिंग में दे, अगर नहीं देता है तो हम अकेले पूरे इलेक्शन में लड़ेंगे. आज का त्रिपुरा सा पैसे के पीछे पद के पीछे नहीं भागेगा, त्रिपुरा मोर्चा पैसे पद के पीछे नहीं भागेगा. वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज. मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे होम मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए. और उस इशू में वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, वी वांट समथिंग इन राइटिंग फ्रॉम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हूएवर वुड लाइक टू कम इन फ्रंट एंड टॉक टू.